अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या रे सायरा, क्या बहुत बोल रही, बहुत बज रही है तू, मेरे गिन रही है। अरे मैंने तो 50 मरत करी, 50 करी मेरी खूबसूरती है, 50 करी, और इसके बाद में मैं 100 भी कर सकती हूँ। मगर तू अपने आप को तो झाक जरा, तूने वो बुड्ढे के साथ में करी गटर, वो कहाँ से ढूंढ के लाई, वो सूरत का गंदे गटर में पड़ेला था अपनी मसाज कराने के लिए। तेरे को तो बम्बई में मरत लोग मिल रहे भी नहीं थे, सब तेरे को यूज कर रहे थे, पूरे मलाड में तेरे को यूज कर दिए और सबने छोड़ दिए ले। अरे तेरे देखती हो चेक्स किधर आगे गोद में आगे ले, लटक लटक के आदमी लोग इतना लटके थे तेरे चेक्स के ऊपर। हाँ झूला झूल रहे, एपिसोड नंबर 2। और ये पेट्रोल पता है ना कैसी आग छोड़ता है। हाँ अभी मेरे मर्द के बारे में क्या बोली, उसका उठता नहीं करता नहीं, तू आके तू तेरे साथ तो सोएगा, देखे तेरी फड़ गई है पूरी, क्या बुड्ढे के डालने के लायक की भी, और सीएगे भी ना तो टाके भी नहीं आएंगे, इतनी तेरी फड़ गई है अभी तो। मेरा मर्द का तेरे सी बुड्ढी को देख के उठने आ रहा, कोई जवान कुला तो उसकी सील बराबर तोड़ के बताएगा उठता क्या नहीं उठता। तेरे को तो मेरे मर्द को देख के मेरी बेटी की शादी में तेरी चड्डी गिल्ली हो रही थी, मेरी सहेली लोग को बोल रही थी, मेरी सहेली लोग के मर्द लोग को देख के और मेरे मर्द को देख के इतनी तेरी चड्डी नीचे की गिल्ली हो गई। तो बोली मैं जा रही, मेरी चड्डी गिल्ली हो रही। फिर एक महीने में तूने बुड्ढे को पकड़ ली कि तेरी चड्डी में से इतना पानी निकल रहा था देख देख के मर्द लोग को। हाँ और परसों भी किसके बर्थडे में गई थी, बुड्ढा आने के बाद भी तेरी चड्डी भर के वापस गिल्ली हो गई थी। आदमी लोग बोल रहे कि बोले इसकी चड्डी गिल्ली हो जाती है, हमारी औरतों को बोलती है कि भाई आदमी लोग को देख के इसकी चड्डी गिल्ली होती। तेरा तो इतना लीकेज ऐसा फटाफट होता है, आदमी लोग को देख के बुढ़ापे में तेरा ये हाल है रे, बाप रे बाप। और 16 साल की बोलती ना, मैं 16 साल की हूँ ही बराबर। एपिसोड नंबर 3। हाँ अभी मेरे बच्चे लोग के बारे में बोली, अरे अपने तो पैदा करके ना सब संभालते, अपने गैर को संभाल के देखो ना तो वो बोलते कि माँ, और वो माँ मैं बनी हूँ। तेरे को क्या मालूम है किसका एक सिमो के बाप का, जेम्स का एक बड़ा वाला अली पैदा करी, फिर एक बोलती वो मेरा मरद मरून मरून शवर बोलती, वो तो है ही नहीं, पूरे मलाड की पैदाइश है, वो तो पूरा टेस्ट दिखता है कि पूरे मलाड की पैदाइश है, कि उसके रहने सहने से बराबर लगता है, एकदम खून दिखता है वो। और तू मेरे बच्चे लोग के बारे में बोलती, मेरे बच्चे लोग मैंने ऐसी परवरिश दी है, पूरे टिकटॉक पे लोग देखे ले और पूरे इंस्टाग्राम पे देखे कि कैसी परवरिश है। हाँ अरे जो बायलेगिरी करता ना तेरे पीछे खड़े रह के, हमारे बच्चे ऐसी बायलेगिरी करते नहीं है, मरद लोग है नर लोग, समझी क्या, नर लोग कभी करते नहीं है। तेरा बेटा और तेरा मरद जो बायलेगिरी करता है ना, हमारे मरद लोग भी नहीं करते, हमारे बच्चे भी नहीं करते। और ये दूसरे के बच्चों को ना अपनाना ही बड़ी बात है, पेट से तो हर कोई पैदा कर लेता है 9 महीना रख के, दूसरे के बच्चे को संभालो ना तो उसको बोलते हैं माँ।